पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा की भतीजी की शादी में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वर वधु को आशीर्वाद दिया। पानीपत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बीजेपी नेता भी रहे मौजूद। लोहारू में सीएम फ्लाइंग ने सिंहानी गांव में छापेमारी है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने लकड़ियों से भरी 44 पिकअप गाड़ियों को कब्जे में लिया है। राजस्थान से अवैध रूप से लाई गई थी लकड़ियां। इंस्पेक्टर आजाद सिंह ने बताया कि करीब 44 गाड़ियों को पर कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि पेड़ काटना गैर कानूनी है और हमने 4 वाक रेंज अधिकारियों को बुलाया था और जिसमें नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस की ओर से जन जागरण अभियान के तहत फतेहाबाद में पदयात्रा निकाली गई। कांग्रेसी नेता और पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह ने यात्रा की अगुवाई की। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जाट धर्मशाला में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। जेजेपी के स्थापना दिवस पर होने वाली रैली को लेकर बैठक हुई है। गुरुग्राम पहुंचे जेजेपी प्रधान सचिव दिग्विजय चौटाला। जेजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे दिग्विजय चौटाला। 9 दिसंबर को झज्जर में मनाया जाएगा जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस। जेजेपी 9 दिसंबर को झज्जर में अपना तीसरा स्थापना दिवस जन सरोकार रैली के रूप में आयोजित करने जा रही है, जिसके लिए कुरुक्षेत्र में जिला कार्यकारिणी की एक अहम बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी रमेश खटक व रणदीप कौल पहुंचे। इस मौके पर शाहबाद मारकंडा से विधायक रामकरण काला भी मौजूद रहे। जन सरोकार रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। अंबाला में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी शिरकत करेंगे। किसान बचाओ संविधान बचाओ के नाम से महापंचायत होगी। जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधान मलकित सिंह ने वीडियो जारी करके अंबाला के सेक्टर 8 में महापंचायत होगी इसकी जानकारी दी। इसमें किसान नेता आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही 26 तारीख को किसानों का एक बार फिर से दिल्ली के लिए कूच करने का प्रोग्राम है। पानीपत के सेक्टर 18 में युवा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पहुंचे। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार सरकारी नौकरियां बेची जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को कांग्रेस की ओर से 2-2 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। ऑटो मार्केट में व्यापारी से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जवान से मारने की धमकी देने के विरोध में 27 नवंबर को ऑटो मार्केट में हड़ताल रहेगी। पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने कहा कि हर रोज व्यापारियों से फिरौती मांगने, लूटपाट और हत्या करने से प्रदेश का व्यापारी सहमा हुआ है। हरियाणा सरकार के विभिन्न वर्गों के लोगों को पेंशन दी जा रही है, जिसके लिए सिरसा के लोगों ने हरियाणा सरकार का आभार जताया। इन दिनों 60 साल से अधिक की आयु के बुजुर्गों को 2,500 रुपए प्रति महीने की राशि दी जा रही है। सिरसा के बुजुर्गों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से वृद्धावस्था सम्मान के तौर पर हरियाणा सरकार से पेंशन ले रहे हैं और उन्हें पेंशन लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में अनुसार जुलाई में करीब 1,08,640 बुजुर्गों को 2,500 रुपए प्रतिमाह बुढ़ापा पेंशन दी जा रही है, जिसके तहत अलावा आपको बताते चलें 42,337 विधवा महिलाओं को भी 2,500 रुपए पेंशन दी जा रही है। रोहतक में हरियाणा पुलिस ने साइकिल रैली जागृति यात्रा का आयोजन किया। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजन किया गया जागृति यात्रा। साइकिल रैली सोनीपत से गुहाना होते हुए रोहतक पहुंची। महिला थाना डीएसपी सुशीला देवी और उनकी टीम ने साइकिल रैली का स्वागत किया। रैली में 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और रैली का नेतृत्व 2 बार एवरेस्ट फतह पर कर चुकी हरियाणा पुलिस की एसीपी ममता सोधा ने किया। रेवाड़ी में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर किसान संगठन आंदोलनरत है, जिसके चलते रूट डायवर्ट किया गया है। भारी वाहनों के आवागमन के चलते रेवाड़ी शाहजहांपुर स्टेट हाईवे जर्जर हाल में हो चुका है।
मार्केट टूट जाने के बाद यहां पर धूल भरे गुब्बार उड़ते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंभीर बीमारियों से यहां पर लोग ग्रसित हो रहे हैं। सिरसा में भारतमाला परियोजना के तहत अधिकृत की गई जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों का विरोध किया। साथ ही साथ किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के कामकाज में दखल डालने पर किसान नेता राकेश भुगड़िया समेत कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव करके रिहाई की मांग की तो हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा कर दिया गया। वहीं किसानों ने कहा कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण में कम रैंकिंग आने के बाद उपायुक्त अनीश यादव ने संज्ञान लिया है। उन्होंने शहर के बाजारों में कूड़ा डंपिंग प्वाइंट पर पार्कों का निरीक्षण किया, जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन को सुधार के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त अनीश यादव ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी काम में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवारा पशुओं से शहर को मुक्त करने के लिए नगर परिषद को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद में प्रदूषण घटने का नाम नहीं ले रहा, एक क्वाइट 400 के पार पहुंच गया। वहीं लोगों को घूमने फिरने और सांस लेने में परेशानियां हो रही और आंखों में जलन का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कनीना कस्बे में लोगों की ओर से लगातार मिल रहे अतिक्रमण की शिकायतों के बाद एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने कस्बे के बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों के बाहर अतिक्रमण करके रखे गए सामान को हटाने की सख्त हिदायत दे दी है। सुरेंद्र सिंह ने दुकानदारों को आगाह करते हुए कहा कि कस्बे में अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा है कि यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा। कालावाली में चुनरी का थोक व्यवसाय करने वाले दर्शन सिंह करीब 30 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। दर्शन सिंह ने इस खुशखबरी को सुनकर खुश हो गए हैं। डबलवाली निवासी लॉटरी विक्रेता मदन लाल ने उन्हें फोन करके बधाई दी। दर्शन सिंह ने कहा कि हमारी सुनने के लिए परमात्मा का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से लॉटरी लगाते हुए लॉटरी के रूप में मिलने वाले 30 लाख रुपए की राशि वो अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, साथ ही साथ कपड़े के कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। रेवाड़ी में टायर फटने से पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में महिलाएं और बच्चों सहित 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची, घायलों को रेवाड़ी स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पुलिस ने बताया कि पिकअप गाड़ी में करीब 34 लोग सवार थे, सभी झज्जर के छुछवास का रहने वाले थे। यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू पर रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया। लोगों को जागरूक किया गया है और इनका इलाज किया जा रहा है, जिसके चलते डेंगू के केसों में कमी आई है। कोहाना में ड्राइवर की हत्या कर बदमाशों ने टायरों से भरी गाड़ी लूटी और बदमाश के शव को ट्रैक में रख करके होटल की ओर से लेकर जा रहे थे। सिंगल ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी थी। मृतक की पहचान अजरू पुत्र अली शेर निवासी पुहाना के रायपुर गांव के रूप में हुई है। शहर में लगातार हो रही मोबाइल स्नैचिंग को लेकर के पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। सुहाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचर करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सद्दाफ को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गांव संचौली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी मोबाइलों को राहगीरों से छीनते थे और चोरी किए गए मोबाइलों को सस्ते दामों में बेचते थे। पुलिस ने मामले में आरोपियों को एक दिन की रिमांड पर लेकर करीब 20 वारदातों का खुलासा किया। अभी इसमें से कुछ अन्य आरोपी की गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। यमुनानगर जिले के अलहार गांव में रहने वाले राहुल कुमार जर्मनी में सांसद बने। वहीं यमुनानगर पहुंचने पर सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। जर्मनी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने राहुल कुमार ने बताया कि अपने देश और अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। राहुल कुमार ने कहा कि उन्हें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यहाँ की जो पावन धरती है उसका आशीर्वाद लें और दूसरे देश में भारत को अच्छे से प्रस्तुत करें।
पलवल में विधवा महिला का अपहरण करके नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया गया और एक मकान में बंधक बनाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, महिला को मोमबत्ती और सिगरेट से जलाकर प्रताड़ित भी किया गया था। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसका गांव में एक मकान है और उसे पैसे की जरूरत थी तो वो उसे बेचना चाहती थी। पीड़िता अपने रिश्तेदारों की मदद से थाने पहुंचकर पुलिस की शिकायत दी है। महिला थाना पुलिस ने नामजद के साथ अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। नेकी कर संस्था कर सिहाली समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से ट्राई सिटी आंखों के अस्पताल के सहयोग से गांव सिहाली में आंखों के फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर विक्रम ठाकुर की ओर से आंखों का फ्री चेकअप किया गया। कैंप में लगभग 120 मरीजों ने अपना चेकअप करवाया। ज्यादातर मरीजों की आंखों में मोतिया की बीमारी थी। जानकारी देते हुए डॉक्टर गुरुदेव जोसन ने बताया कि संस्था की ओर से आंखों के कैंप का लगातार लगाया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 4-5 चौक पर दर्दनाक हादसा होते बचा युवक, बाल बाल बच गया है। युवक स्कॉर्पियो के नीचे कुचलने से बाल बाल बच गया। हादसे में एक युवक को गंभीर चोट आई है। स्कॉर्पियो सवार टक्कर मार के मौके से फरार हो गया। रोहतक में लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू के बढ़ते केस के साथ करनाल में दूसरी मौत हो गई है। इस मौत से विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू से बचाव के पूरे दावे कर रहा है पर रोजाना केस बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले साल वालों के केसों में रिकॉर्ड तोड़ते हुए संख्या 268 पहुंच गई है। इनमें से दो की पुष्टि तो विभाग खुद ही कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहे न रहे पर लोगों को अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। गुरुग्राम में डेंगू का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। डेंगू के तीन मरीज सामने आए। डेंगू के कुल मरीजों की संख्या गुरुग्राम में 310 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार डेंगू के संदिग्ध मरीजों की संख्या 5331 पहुंच गई है। बावल में एमए हिस्ट्री पॉलिटिकल हिंदी और इंग्लिश की कक्षाओं को लागू करने को लेकर के बावल के राजकीय महाविद्यालय पर छात्रों द्वारा ताला लगा दिया गया। छात्राओं ने बताया कि पिछले लंबे समय से एमए में हिस्ट्री पॉलिटिकल हिंदी और इंग्लिश की कक्षाएं प्रारंभ करने की मांग की जा रही है। छात्राओं ने कहा है कि मांग पूरी न हुई होने की वजह से आज मजबूर होकर कॉलेज गेट को में ताला लगाया गया। छात्रों द्वारा 26 नवंबर को सीएम मनोहर लाल के आगमन पर उनका विरोध करने की भी चेतावनी दी गई है। पंचकुला के गुरुद्वारा नाहटा साहिब में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे, जहां उन्होंने शीश नवाकर के आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर गुरुद्वारा नाहटा साहिब के हेड ग्रंथी सहित तमाम पदाधिकारी और पंचकुला जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कैथल में पराली प्रबंधन को लेकर के सरकार जागरूकता अभियान चलाए हुए है। वहीं पराली जलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इस बार लगभग 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। कृषि अधिकारी करमचंद ने बताया कि इस बार सैटेलाइट के माध्यम से हमें 1155 मामले मिले हैं। करमचंद ने बताया कि हमने 623 लोगों के चालान किए हैं और 8 लोगों के खिलाफ FIR की है। अभी तक हमने 14,57,500 रुपए का जुर्माना वसूला और लगभग 1 लाख का जुर्माना वसूलना बाकी है। महेंद्रगढ़ में पिछले कई दिनों से शहर के अंदर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद और पुलिस के कई सड़क के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। हालांकि इस दौरान अतिक्रमणकारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक देखने को मिली है। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाने का काम किया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुमन लता ने बताया कि इन लोगों के पहले भी चालान किए गए थे। पापा देखो मेरा नया